खैर नेक्स्ट पॉइंट क्या, वर्क ऑन अटेंशन मैनेजमेंट। सर ये सबसे बड़ा मसला हमारा जो फोकस ना होने की वजह क्या है, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल हो कुछ भी हो ये वो। सर मैंने ना इस पर अटेंशन मैनेजमेंट का मैंने जो पढ़ा ना मुझे की समझ आई। क्या कभी आपने नोट किया है कि हम जो एक बंदा कहता है मैंने 3 घंटे पढ़ा मुझे 1 पेज याद हुआ, एक बंदा कहता है इब्राहिम जैसा माशाल्लाह से लाइक बच्चा हो वो कहे मैंने आधा घंटा पढ़ा और मुझे पूरा पेज याद हो गया। सर दोनों में क्या डिफरेंस है कंसंट्रेशन का? इसका मतलब हाँ मेहनत का तो है लेकिन मेहनत कंसंट्रेशन में है ना, फोकस में ना, अपने फोकस किया आप जल्दी कर गए, वो सोच रहे मैंने सच में कर दिया। सर बताना क्या चाह रहा हूँ, अटेंशन मैंने अगर नोट करो तो सब कुछ कंसंट्रेशन के ऊपर था, यानी टाइम जो है वो चेंज हो जाए उससे मसला नहीं होता, कंसंट्रेशन के ऊपर होता है। सर तो हम लोग जो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट करो, मैंने इससे एक नई चीज़ सीखूँ, टाइम मैनेजमेंट से अच्छी चीज़ आप अटेंशन मैनेजमेंट सीखो कि मेरी इस वक्त में, इस टाइम में जो आपने कहा ना लिव इन नाउ रहो, मेरी अटेंशन कहाँ होगी इस वक्त में, मेरी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए। अदो ये मोबाइल में देख रहा हूँ क्या मेरी अटेंशन यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें ना मेरे मुझे ब्रूस ली का अच्छा लगा पॉइंट, ब्रूस ली का एक पॉइंट बड़ा जैसे वो कहता है डोंट डेली इंक्रीज, हम अपनी एफर्ट को डेली क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ना ताकि हमारी हम ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, वो कहता है नो डेली डिक्रीज डिस्ट्रैक्शंस। रोज पॉइंट लगाएं सर 365 का मैं आपको दे रहा हूँ, डेली लिखें एक कि आज मैं ये डिस्ट्रैक्शन खत्म करता हूँ, एक दिन में ये, एक दिन में सर 365 दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अटेंशन मैनेजमेंट हो जाएगी पूरी। एम आई राइट और रॉन्ग सर? 365 दिन को हम देख ही नहीं रहे ना, हम तो एक दिन को देख रहे हैं। ये अगला पॉइंट बता रहा हूँ सर, Thank you.